हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक नई रेसिपी जिसको बोलते हैं उड़द के दाल की कचौरी। आपको पता ही है, बारिश के मौसम में हमें ऐसी चीज़ें खाने का बहुत मन करता है। साथ में ही हम बनाएंगे दही भल्ले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एक नई रेसिपी। उड़द की दाल को हमने भिगो के एक बर्तन में रख दिया है। इसको हम 4-5 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। एक बाउल में हमने आटा ले लिया है, इसको हम गूंदेंगे। हम इसको 4-5 घंटे पहले ही गूंदेंगे ताकि हमारी जो कचौरी है बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची बनेगी। और एक बाउल में हमने ले लिया है ईस्ट जो होता है, ये हमारे आटे को फुलाने का काम करता है। आप चाहे तो कुछ लोग बेकिंग सोडे का इस्तेमाल भी करते हैं, कुछ लोग खाने के सोडे को इसमें मिलाते हैं, पर मैं जो है इसमें ईस्ट मिलाती हूँ। तो हम इसमें ईस्ट घोलकर मिला देते हैं। इसको मैंने गर्म पानी की सहायता से गूंदा है, क्योंकि आपको पता ही है बारिश का मौसम है और थोड़ी ठंड भी है, तो हमने गर्म पानी से आटे को गूंदना है। तो देखिए, चलते हैं, धीरे धीरे हम आटे को गूंदना शुरू करते हैं। देखिए, हमने आटा गूंदना शुरू कर दिया है। आटा गूंदने के लिए हमने लिया है थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा आटा और बेकिंग सोडा, और इसको हम थोड़ी थोड़ी देर में मिक्स करते रहेंगे। जब तक हमारा आटा अच्छी तरह गूंद के तैयार नहीं हो जाता, तब तक हम इसके लिए अलग से एक बैटर में मसाला भी तैयार करते रहेंगे। देखिए, हमने आटा बहुत ही सॉफ्ट गूंदना है ताकि हमारे खाने में कचौरी जो है नरम लगे और बाहर से क्रंची भी रखनी है। तो हमने आटे को, पानी को थोड़ा थोड़ा आटे में मिलाना है और आटे को गूंदते जाना है। तो देखिए, ये हमारा आटा गूंदा जा रहा है और ये अभी तैयार नहीं हुआ है। इसको हम थोड़ी थोड़ा करके गूंदेंगे। तो ये रही हमारी आटा गूंदने की रेसिपी। आप चाहे तो इस अपने तरीके से कैसे भी ईस्ट डाल के या बेकिंग सोडा डाल के या कुछ भी डाल के इसको बना सकते हैं। बारिश के मौसम में ऐसा कचौरी समोसा खाने का बहुत ही अच्छा टाइम रहता है। हम इसको बनाने के लिए 4-5 घंटे पहले ही दाल को भीगने के लिए रख देते हैं और आटे को भी 2-3 घंटे पहले ही गूंद के रख देते हैं, ताकि आटा भी हमारा अच्छे से सूज जाए और जो है हमारी उड़द की दाल वो भी अच्छे से भीग के नरम हो जाए। तो देखिए, हमारा आटा धीरे धीरे तैयार हो रहा है। ये हमने आटा गूंद लिया है। आटे में हमने थोड़ा सा नमक मिलाया है, थोड़ी सी अजवाइन भी हम मिला सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको जैसा भी अच्छा लगे। देखिए, हमने इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दी है। उसके बाद हम इसको धीरे से थोड़ा सा और गूंदेंगे और इसको रख देंगे 2-3 घंटे के लिए सीजने के लिए। और ये देखिए, अब हमारा कचौरी बनाने का प्रोसीजर शुरू हो गया। तो इसके बाद हम चलते हैं दाल की, और दाल भी जो है हमारी हो चुकी है, इसको हम धोएंगे और धोकर साफ़ करेंगे। तो देखिए, हम अपनी दाल को पानी की सहायता से धो रहे हैं। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसके छिलके जो है वो अलग करते जाएंगे, ताकि जो हमारा उड़द वाली दाल है वो बची रह जाए, साफ़ सुथरी सी निकले। तो देखिए, हम इसको पानी डाल रहे हैं और साफ़ कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा जो है उड़द की दाल साफ़ हो गई है। अब इसको हम पानी को जो है सोखने के लिए रख देंगे। अब पानी अच्छी तरह सूख जाएगा, इसलिए हमने ये वाली बर्तन ली है। अब हमने इसका बैटर तैयार किया है। हमने इसको मिक्सी की सहायता से या मशीन की सहायता से पीस लेना है। आटा भी हमारा थोड़ा थोड़ा तैयार हो रहा है, अभी इसको थोड़ा सा टाइम है। तो हमने जो है उड़द की दाल को मशीन में पीस लिया है, और हमने इसमें मिलाया है थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी लहसुन और थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी बड़ी इलायची, इन सबको भी हमने इसी बैटर में मिक्स करके डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से हाथों से मैश करते रहेंगे, ताकि हमारा बैटर जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। थोड़ी सी लाल मिर्च भी हमने डाल देनी है। आप अपने तरीके से इसमें जो जो डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं। हमने इसमें थोड़ी सी कम मिर्च डाली है, क्योंकि हम ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए, ये हमने इसमें नमक भी डाल दिया है। नमक हमने थोड़ा लेट डालना है, क्योंकि नमक डालने से जो है और उड़द की दाल का बैटर जो है वो पतला पड़ जाता है, और फिर ये कचौरी में सेट नहीं होता। तो देखिए, हमने कचौरी बनाना शुरू कर दिया है।
कचौरी बनाने के लिए हमने इसमें एक पेड़ा ले लिया है। आप अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर हमने इसकी एक आरी बना ली है। अब इसको बैटर को हमने एक पेड़े में डाल दिया है और इसको परांठे की तरह हमने गोल गोल करके बना रहे हैं। देखिए आपके सामने है कि हम किस तरह से अपनी कचौरी को तैयार कर रहे हैं। हमने हाथों की सहायता से ही कचौरी को बनाना है। देखिए हमारी एक कचौरी बन के तैयार हो गई है। हमने इसमें बेलन का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए हमारी दूसरी कचौरी बन रही है। दूसरी कचौरी के लिए भी हमने थोड़ा सा आटा लेना है और इसमें थोड़ा सा कर्व डाल के चम्मच की सहायता से हमने उड़द की दाल के बैटर को इसमें डाल देना है। उसके बाद हमने इसको फोल्ड कर देना है। देखिए हमारी कचौरी के लिए बहुत ही अच्छा आटा और बहुत ही अच्छा बैटर बना हुआ है। इससे हमारी कचौरी बहुत ही बढ़िया नरम और सूजी सूजी सी बनेगी और इससे क्रंचीपन भी बहुत दिखेगा। तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब कचौरियाँ हमने बनाई है। इस तरह से हम धीरे धीरे सारे कचौरियाँ बना के तैयार कर देंगे। इस तरह से देखिए हमारी दूसरी कचौरी बनने के लिए भी तैयार हो गई है। साथ में ही हम इसके साथ आप चाहे तो कुछ भी तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं तो इसको चटनी के साथ या बटर के साथ खाना पसंद करती हूँ। आप किस चीज़ के साथ खाना पसंद करते हैं आप उसी हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो मैंने इस साथ में ही साइड में इसके लिए चटनी भी तैयार कर दी है। देखिए धीरे धीरे हम अपनी कचौरी बनाना शुरू कर रहे हैं। देखिए हमारी 10 से 12 कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई है। उसके बाद हमने इसको 5 से 7 10 मिनट के लिए साइड में रख देना है और एक साइड हमने आग जलाकर रख दी है और एक कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है। हम गांव में रहते हैं तो हम चूल्हे पे ही ज़्यादा ये तली हुई चीज़ें बनाना पसंद करते हैं। गैस पे इतनी अच्छे से ये चीज़ें नहीं बन पाती, इसलिए हम लकड़ी डाल के चूल्हे में ही बनाते हैं। तो देखिए हमने घी को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हमने कचौरी को इसमें डाल दिया है। तो देखिए कचौरी हमारी बनकर रेडी हो गई है। एक साइड से हमने इसको पका लिया है, अब दूसरी साइड से पका रहे हैं। तो देखिए हमारी कचौरी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए कितनी फूली फूली समुंजी सी कचौरी बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी अपने घर में इसको इस तरह से बना सकते हैं। देखिए एक कचौरी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम दूसरी कचौरी बनाने जा रहे हैं। दूसरी कचौरी भी हमारी बन के तैयार होने वाली है। इसको भी हम कड़छी या किसी भी बर्तन की सहायता से हम इसको कर सकते हैं। इसको हमने बहुत ही ज़्यादा गर्म आंच पे या ज़्यादा धीमी आंच पे नहीं पकाना है। इसके लिए हमने आग को मीडियम रखना है ताकि ये ज़्यादा जले भी नहीं और ज़्यादा कच्ची भी नहीं रहे। तो देखिए हमारी दूसरी कचौरी भी बन रही है। अगर हमारी आंच आग की कम रहेगी तो हमारी कचौरी अच्छे से नहीं पकेगी और इसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा। और अगर हमारी आग ज़्यादा है तो ये जल्दी बन जाएगी पर ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसलिए हमने इसको मीडियम आंच पे ही पकाना है। आप चाहे तो गैस पे पका सकते हैं, चूल्हे पे पका सकते हैं, इंडक्शन पे पका सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप इसको पका सकते हैं। देखिए हमारी दूसरी कचौरी भी बन गई है। ओ, थोड़ी सी हमारी कचौरी अंदर से फूट भी गई थी। तो देखिए हमारी चौथी कचौरी भी बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से हम धीरे धीरे सारी कचौरी बनाकर तैयार कर देंगे। तो देखिए ये हमारी कचौरी बनकर तैयार हो गई है और साइड में मेरे पापा और मेरे भाई खाने के लिए भी रेडी हो गए हैं। तो देखिए हमने उसको उनको भी एक एक कचौरी साइड में दे दी है। मम्मी गरम गरम कचौरियाँ निकाल रही है। तो कचौरी बनाने की रेसिपी मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी और इस पे बता दूंगी कि हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। बारिश के मौसम में खाने का इसको बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। तो आप भी अपने घरों में बारिश में इसको बना सकते हैं। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। बस थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा कि पहले ही अरहर की दाल को सॉरी उड़द की दाल को भीगने के लिए रखना पड़ेगा और आटे को पहले ही गूंद के रखना पड़ेगा। उसके बाद बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसीजर है। बहुत ही टेस्टी कचौरी जो है वो बनती है।
तो आप भी ज़रूर अपने घर में बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में कचौरी कैसे बनती है, और आपने अगर ऐसी कचौरी बनाई है मेरे वीडियो को देखकर तो कैसी आपकी कचौरी बनी है वो भी मुझे बताइएगा। देखिए पापा और भाई खाने के लिए रेडी हो गए हैं, मैंने भी अपनी प्लेट सजा दी है। तो मैं बटर के साथ खाना और चटनी के साथ खाना पसंद करती हूँ। तो मेरी बहुत ही फूली हुई कचौरी है तो मैं उसको बटर के साथ खाऊंगी, और उसके बाद जब बटर ख़त्म हो जाएगा तो चटनी के साथ खाना पसंद करूंगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो थोड़ा सा बैटर जो हमारा उड़द की दाल का बच गया था उसका हम दही बड़ा बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए दही बड़ा बनाने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको थोड़ा सा हमने बैटर को और स्मूथ करना है ताकि हमारा दही बड़ा बहुत अच्छे से बन जाए। तो ये देखिए हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है, और दही बड़ा बनाने के लिए हमने इसको गोल गोल लोई बनानी है। गोल गोल लोई बनाने के बाद हमने इसके अंदर से बीच में से एक बड़ा सा छेद करके इसको कढ़ाई में डाल देना है, क्योंकि बोलते हैं कि दही बड़ा इस तरह से ही बनाना चाहिए। तो देखिए एक दही बड़ा बनकर तैयार हो गया है, तो घी भी हमारा गर्म हो गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा और सुंदर दही बड़ा बना हुआ है। मैं आपको बना हुआ दही बड़ा दिखाऊंगी बनका कर। और ये देखिए मम्मी ने दूसरा दही बड़ा भी बना कर तैयार कर दिया है। इसको भी हम थोड़ा सा प्लेन करके इसके अंदर से छेद करके फिर इसको कढ़ाई में डाल देंगे। देखिए हमारे दो दही बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो हमारी दो डिश बनकर तैयार हो गई है, एक साइड हमने कचौरी बना दी और दूसरी साइड हमने बने हुए बैटर से दही बड़ा भी तैयार कर दिया है। मैं दही बड़े में दही डालकर खाना भी पसंद करती हूँ, पर आज मैं इसको चटनी के साथ या ऐसे ही खाऊंगी। देखिए अगर हम आग की आंच ज़्यादा रखेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो एक दही बड़ा बनकर तैयार हो गया है और दूसरा भी बनकर अभी तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी और स्वाद टेस्टी जो है आज की हमारी रेसिपी बनी है, मुझे तो खाकर बहुत मज़ा आया। आप अपने घर में बनाकर मुझे बताइएगा कि आपके घर में ये कैसी बने। तो बहुत ही थैंक यू दिल से, आपने मेरी वीडियो को देखा और मेरी वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए हमारा दही बड़ा बनकर तैयार हो गया है, मैं इसमें चटनी डाल रही हूँ।